नमस्कार दोस्तों, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप देखेंगे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर थ्योरी पेपर के जो एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में ये वीडियो है। यानी कि मैं चैनल पे बीएड सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर थ्योरी एग्जामिनेशन प्रोग्राम का जो शेड्यूल है, जो यूनिवर्सिटी ने जारी किया है, वो तो चैनल पे अपलोड है। अब आपके मन में ये होगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, तो इसके ये वीडियो में आप अगर पूरा देखेगा तो आपको पता चलेगा कि आपके कॉलेज का सेंटर किस कॉलेज में पड़ा हुआ है। इसकी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी। यानी कि चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मैं बता देती हूँ आपको, पढ़ के सुना देती हूँ कि आपके कॉलेज का सेंटर किस कॉलेज में पड़ा हुआ है। लेकिन यदि आप भी अपने कन्फर्मेशन के लिए एक बार इसको पढ़ के देख लें और अच्छी तरह से समझ लें, डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैम ने पढ़ दिया तो मैंने सुन लिया। आप भी एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि इसीलिए मैं इस वीडियो को जूम कर रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे। चलिए, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन है ये। इट इज़ नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट बीएड पार्ट सेकंड थ्योरी एग्जामिनेशन 2020 सेशन 2018 से 2020 विल बी हेल्ड एट द फॉलोइंग सेंटर। ये निम्नलिखित जो सेंटर है इस पे सेकेंड पार्ट के एग्जाम होंगे। तो सेंटर कहाँ कहाँ है, ये एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहा है, हमने जो अपलोड किया है उसमें आप देख सकते हैं, शायद 12 अक्टूबर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ इसमें 8 कॉलेजों का सेंटर पड़ा हुआ है, कहाँ, सीएम कॉलेज दरभंगा में। अब ये 8 कॉलेज कौन कौन से हैं, जैसे कि नंबर ऑफ कॉलेज, सीरियल नंबर यहाँ दिया हुआ है 8 कॉलेज, तो नंबर ऑफ कॉलेज हैं, जैसे देखिए यहाँ पे सीएम कॉलेज दरभंगा, इसमें टोटल ये 8 कॉलेज है। ओके, चलिए देखते हैं ये सीएम कॉलेज दरभंगा के, डॉक्टर SMJATT कॉलेज बेहरा दरभंगा, BMA कॉलेज बेहरी दरभंगा, ओरिएंटल कॉलेज ऑफ एजुकेशन दरभंगा, गौरी ब्रह्मनंद TT कॉलेज दरभंगा, स्वामी विवेकानंद TT कॉलेज दरभंगा, FATT कॉलेज दरभंगा, MB कॉलेज ऑफ एजुकेशन अनार कोठी दरभंगा, मिथिला बीएड कॉलेज दरभंगा। यानी इन कॉलेजों का सेंटर पड़ा हुआ है सीएम कॉलेज दरभंगा में। ओके, चलिए नीचे दिया हुआ है सेकंड में MLSM कॉलेज दरभंगा, ये सेंटर है एग्जाम का। द डिस्टेंस एजुकेशन दरभंगा, LK मिश्रा कॉलेज ऑफ टीचर ट्रेनिंग, दिल्ली मोर दरभंगा, दिल्ली मोर कॉलेज जो कुछ है तो उसका भी सेंटर, यानी 3 कॉलेजों का सेंटर पड़ा हुआ है MLSM कॉलेज दरभंगा में। यदि आप इससे रिलेटेड हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें और अपने कंफर्म हो जाए कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा हुआ है। देख लिया आपने कि MLSM कॉलेज में 3 कॉलेजों का सेंटर पड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं RN कॉलेज पंडौल मधुबनी, RN कॉलेज पंडौल मधुबनी में पड़ा हुआ है किनका सेंटर, देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ तक है। ओके, यानी कि मिलट TT कॉलेज मधुबनी, मधेपुरा TT कॉलेज मधेपुरा मधुबनी, किरण TT कॉलेज पंडौल मधुबनी, यानी 3 कॉलेजों का सेंटर RN कॉलेज पंडौल में। BM कॉलेज राहिका मधुबनी, ये सेंटर किसका किसका पड़ा है, RK कॉलेज मधुबनी, मिथिला TT कॉलेज बासौरा मधुबनी, VBS कॉलेज ऑफ एजुकेशन बासठ मधुबनी, यानी 3 कॉलेजों का सेंटर पड़ा हुआ है BM कॉलेज राहिका मधुबनी में। अब फिर देखते हैं हम पांचवा सेंटर जो है उसमें 5 कॉलेजों का सेंटर पड़ा हुआ है, कौन कौन सा, DBKN कॉलेज नरहन समस्तीपुर, AND कॉलेज शाहपुर पटोरी समस्तीपुर, AL हसन TT कॉलेज दलसिंह सराय समस्तीपुर, RLM TT कॉलेज रोसड़ा समस्तीपुर, सोनावती कॉलेज ऑफ एजुकेशन समस्तीपुर,
सोनावती कॉलेज ऑफ एजुकेशन समस्तीपुर, यानी 5 कॉलेजों का सेंटर पड़ा हुआ है आरबी कॉलेज दलसिंह सराय में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि पूरे बीएड एग्ज़ाम के लिए आपका 7 एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं बीआरबी कॉलेज समस्तीपुर में 8 कॉलेजों का सेंटर पड़ा हुआ है। 8 कॉलेज कौन कौन से हैं? कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट टीटीसी कॉलेज समस्तीपुर, सेंट जोसेफ MSBMTT कॉलेज समस्तीपुर, बीबी फातिमा DT कॉलेज समस्तीपुर, MM हक TT कॉलेज समस्तीपुर, संत पॉल TT कॉलेज समस्तीपुर, JP TT कॉलेज मथुरापुर समस्तीपुर। यानी 6 कॉलेजों का सेंटर पड़ा हुआ है बीआरबी कॉलेज समस्तीपुर में। ये है RCS कॉलेज, बीआरबी कॉलेज RCS कॉलेज 7वां कॉलेज है, ठीक है। तो इसमें 4 कॉलेजों का सेंटर पड़ा हुआ है, MM रहमानी TT कॉलेज बेगूसराय, श्याम स्कूल ऑफ एजुकेशन बेगूसराय महाराजगंज, मेघराज मेमोरियल बीएड कॉलेज बेगूसराय, तारा कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेगूसराय। यानी 4 कॉलेजों का सेंटर पड़ा हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। इसमें तो इधर नहीं दिया है, यानी कि मैं बताऊंगी आगे जाऊंगी, लेकिन आपको यहाँ फिर से दिखा दूँ। 7 सेंटर बने हुए बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन प्रोग्राम के लिए, थ्योरी एग्जामिनेशन प्रोग्राम के लिए 7 सेंटर बने हुए हैं। 7 सेंटर पे ही सब एग्जाम होंगे। आप इस लिस्ट को अच्छे से देख लें और देखने के बाद पता कर लें कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा हुआ है। ओके, ओके, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा हुआ है। चलिए अभी दिखाते हैं कि ये एग्ज़ाम डेट जो है, सेंटर डेट जो रिलीज हुआ कब हुआ। 26/9/2020 को रिलीज हुआ है। आप एक बार देख सकते हैं नीचे, ताकि आपको ये ना लगे कि ये फेक वीडियो है। ओके, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार मैं आपको बता दूं कि इस चैनल से जुड़ने के लिए आप सेल्फ मेड ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही टेलीग्राम चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल पे जुड़े। उस पर बहुत ही बीएड के बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं, और साथ ही आपके बीएड और एमएड बीएचयू वगैरह इंट्रेंस की भी तैयारी कराई जाती है, साथ ही कोर्स भी कंप्लीट कराए जाते हैं। इसीलिए सेल्फ मेड ट्यूटोरियल से जुड़े, और सेल्फ मेड ट्यूटोरियल चैनल और फेसबुक पर सेल्फ मेड ट्यूटोरियल पेज को फॉलो करें, लाइक करें। ओके, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई जानकारी और नई सूचना मिलती रहे। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।